राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। और ये है मेरी वेट लॉस जर्नी। जैसा कि आप जानते हो, किस तरह से मैंने डेली रूटीन के साथ में अपना 15 kg वेट कम किया है, तो आप सबके साथ में बस यही सब शेयर कर रही हूँ। और सुबह क्या टाइम है, सुबह सुबह का, और मैं अपने लिए बना रही हूँ धनिया पानी। और मैंने रात को ये धनिया पानी भिगो के रख दिया था, तो अब मैं इसको पीऊँगी। और ये ज़्यादा गर्म है तो थोड़ा ठंडा होगा, तब इसको मैं पीऊँगी। तो जब मैंने अपना वेट कम किया था, और अभी भी मैं अपना वेट कम कर रही हूँ, और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था सुबह सुबह। आप जीरा पानी, धनिया पानी, सौंफ पानी, जो भी आपका मन हो आप वो ले सको सुबह। और गर्म पानी भी ले सकते हो आप, यदि आपको इसका स्वाद अच्छा ना लगे तो आप गर्म पानी भी, गुनगुना पानी हो, है नी, वो भी पी सको। देखिए डियर, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जिस तरह से मैंने अपना वेट कम किया है, मैंने क्या खाया है, क्या पिया है, और कैसे मैंने जो अपनी जर्नी है वो आपके साथ में सिर्फ वही शेयर करूँगी, किस तरह से मैंने अपने वेट कम किया है। और ये जो फार्मूला है, ये है 32 बार का फार्मूला। 32 बार का फार्मूला ये इसलिए है, इसमें जो भी हमने खाना है वो हमने कम से कम 32 बार चबाना है। जो कुछ भी खाए चबा के खाए, और धीरे धीरे खाए, और बिल्कुल छोटी बाइट लेनी है हमने। तो ये फार्मूला है जिससे कि हम अपना वेट कम कर सके हैं। चाहे कितना भी, किसी का भी कितना भी वेट हो, हम वो कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने अपना जो है ना पूजा कर ली है, और ये है हमारा मंदिर। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं? उम्मीद है सारे बहुत बढ़िया होंगे। तो वही मैंने कर ली है अपनी पूजा, और ये हमारा मंदिर। तो पूजा कर ली है और अब मैं बनाऊंगी अपनी ये चाय। और बच्चे जा लिए हैं स्कूल में, उनका टिफिन पैक कर दिया है, और इसका डैडी जा रहा है खेत में। और तो सुबह सुबह तो वही बच्चों के टिफिन तैयार करके देना पड़ा है, और उसके बाद ही फिर दिया बत्ती करके फिर चाय पानी पिया करूँ मैं। और अब बना ली मैं चाय, और अभी मेरी जो है ना खाना बनाना बाकी है, क्योंकि सबसे पहला बच्चों का ये हो रहा है, जल्दी रहा है, तो इसलिए जल्दी जल्दी में उनका नाश्ता बना के देना पड़ा है, लंच बना के देना पड़ा है, तो उसके बाद ही सारे काम हुआ है। तो मैं बना ली चाय। तो फ्रेंड्स, मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय, और जो भी हमारा परिवार फैमिली है उसमें कोई भी चाय नहीं पींदा सिर्फ मेरे सिवाया, क्योंकि ऐसा हुआ है ना चाय किसी किसी की छूटती नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे भाई चाय पी रही है और वेट कम करने की बात कर रही है, क्योंकि डियर यदि आप चाय नहीं छोड़ सकते तो आप ना चाय में चीनी चीनी की जगह गुड़ डाल सकते हो, तो आप गुड़ डाल के चाय बना सकते हो। तो जब मैंने वेट कम किया था तो मैंने ऐसा ही किया था। और जो है बच्चों का डैडी है, हस्बैंड जी, ये जा रहे हैं अपने काम पे, और इनके काम पे जाने के बाद फिर मैं जो है अपना काम निपटाऊंगी। और मेरा जो है ना आधे से ज़्यादा काम निपट गया है, और अब मैं रख देती हूँ दूध। तो मैंने दूध छान दिया है। तो डेली रूटीन के साथ में तो इसी तरह से भी, ऐसा नहीं है कि आप स्पेशल टाइम निकालो जिम जाने का या कुछ भी हो करने का, तो आप इस तरह से भी अपना वेट कम कर सको। तो अभी तक मैंने नाश्ता कुछ नहीं किया है, और 10 बज चुके हैं, तो आधा काम मेरा हो चुका है। और तो मैंने दूध रख दिया है, तो फिर मैंने सोचा कि इसके साथ साथ मैं अपना नाश्ता भी कर लूँ। और नाश्ते में आप कुछ भी ले सको हो,
एप्पल ले सको या जो चने हुए हैं काले चने, आप उनको भी ले सको हो। उसमें सैलेड डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के, जो भी आप चाट बना के उसको वो ले सकते हो। उसको ना आपको चबा चबा के खाना है। और यहाँ पर मैं आप सबको दिखा रही हूँ भी किस तरह से चबाना है। और आपको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और उनको कम से कम 32 बार चबाना है, जब तक कि उनका बिल्कुल पानी ना बन जाए, तब तक अंदर नहीं ले जाना है। तो आप सबको यही सब कुछ दिखा रही हूँ मैं, तो इस तरह से आप अपना वेट कम कर सको। तो फ्रेंड्स, मेरा घर का जो काम है सारा निपट गया है और अब मैं करूँगी अपने लिए लंच। और टाइम जो है 1:30 बज गया है और अभी तक मैंने सुबह का नाश्ता किया था, एक सेब खाई थी, जबकि मैं उसी में हूँ। क्योंकि जब भी आप 32 बार के साथ में नाश्ता करो होने, आपको बहुत ही कम भूख लगेगी और मन ही नहीं करेगा खाने का। पहली बात तो यह है बिल्कुल भी। और काम मेरा निपट गया है और जबकि काम में लग रही हूँ मैं, और भूख भी इतनी नहीं लगी है अभी भी। फिर भी लंच करना ज़रूरी है और मैं अपने लंच की जो थाली है वो कर ली हूँ तैयार। और भूख तो मैंने लग नहीं रही है बिल्कुल भी, फिर भी कर ही लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी जो लंच की थाली है, ये है एक खीरा, एक रोटी, दही है, सब्जी है और ये है लस्सी। तो ये खाना है लंच का। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ही होगा ये घर का खाना है, बिल्कुल नॉर्मल खाना है, लस्सी, दही, रोटी और सब्जी है, सिर्फ घर का सिंपल खाना है। और इसी यही खाना खा के मैंने अपना 15 kg वेट कम किया है। और आप सब भी अपना वेट कम कर सकते हो, थोड़ी सी जानकारी की बस ज़रूरत है। पहले मुझे भी बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और मेरा इतना वेट बढ़ चुका था, बहुत ही ज़्यादा वेट बढ़ गया था। और मुझे लग रहा था कि मेरा जो वेट है बिल्कुल भी कम नहीं होगा, लेकिन जो आज भी ये फार्मूला है, 32 बार का फार्मूला, आपने क्या करना है, सिर्फ जो भी आप एक भी बाइट लोगे खाने की, और वो हमने सिर्फ चबा चबा कर खानी है, कम से कम 32 बार चबाना है। और ऐसा नहीं है कि हमने स्त्रियां ज्यादा बाइट लेनी है, सिर्फ हमने इतना सा टुकड़ा लेना है सिर्फ, ये भी ज्यादा है तो ये इतना टुकड़ा लेना है। और इसमें सब्जी लगानी है, जो भी दही में है, सलाद है, ये खाना साथ में। और इसने 32 बार कम से कम तो चबाना ही है। और हमने जब तक इसका पानी नहीं बनता तब तक हमने अंदर नहीं लेना है। और इस तरह से नहीं, आप भी यकीन मानिए बिल्कुल भी, मैंने पहले बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इस तरह से वजन कम हो सका है। तो ये फार्मूला बहुत ही आसान फार्मूला है, आपको ना तो कोई पैसा खर्च करना है, ना जिम में जाना है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने जो घर का खाना है उस वो खाकर ही आप अपना वेट कम कर सको। और मैं खुद का मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैंने आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और जब जब ऐसा नहीं है कि भाई एक साथ ही आपका वजन जो है एकदम ही कम हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप और आपने इसकी आदत डालनी पड़ेगी। और शुरू शुरू में सभी को दिक्कत हो रहा है चबाने की, चबा नहीं पाते, जो ये मसूडे हुए चबा रहे हो ये दुखन लग जाए है। और जैसे जैसे हम चबावेंगे, जैसे जैसे हमने आदत पड़ती रहेगी, वैसे वैसे आप इतना कुछ भी महसूस नहीं होने का। और आप देखना आपका वजन कितने कितना जल्दी कम हुआ है। और कम से कम हमने जो खाना खाएंगे उसमें कम से कम आधे घंटे का समय या आधे घंटे का समय तो जरूर लेना है, और ज्यादा लग जाए तो और भी बहुत ही अच्छा है। तो 32 बार का ये फार्मूला, भाई चबा चबा कर रोटी खानी है मामना, और जो घर का खाना है वो खाओ। और थोड़ी सी जो चीज है इसमें वो आपको अवॉइड करनी पड़ेगी,
एक है चीनी और एक है मैदा, और बाहर की चीज खानी है, समोसे, बर्गर, चाउमीन, ये सब कुछ आपको बंद करना पड़ेगा। और मैं ये कहूंगी, आप जब भी खाना खाओ ज्यादा से ज्यादा सैलेड जरूर लो, सैलेड जरूर लेना है आप सब ने। जितना आप सैलेड लोगे आपका वजन उतना ही कम होएगा। और यदि आप चावल खाते हो, चावल भी खा सको हो, और चावल को ऐसा करना आप सैलेड के साथ में खाना, आपको जब अच्छी तरह से चबेगा हो वैसे तो आप जल्दी, चावल तो आप पता है कितने चबने का नहीं है, तो आप उसके साथ में सैलेड ले सको। तो भी मैंने तो जो मेरा एक्सपीरियंस है आप सबके साथ में वही शेयर करूंगी, और मैंने तो ऐसा ही किया है, और मैंने आपके साथ हूँ, आप देखने लग रहे होगे, मैंने मेरा 15 kg वेट जो है ना वो कम हुआ है। तो आप, मैं चाहूँ आप सब भी अपना वेट कम कर सको हो, और इसी जो भी आसान तरीका है 32 बार का, 32 बार के साथ में, और 32 बार का फार्मूला इसीलिए बोला है ना, क्योंकि इसमें ना कम से कम 32 बार तो चबाना ही चबाना चाहिए, जब तक इसका पानी नहीं बनता तब तक अंदर नहीं ले जाना है। और इसके 1 घंटे के बाद, खाना खाने के बाद हमने ले लिया ग्रीन टी। आप कोई भी ग्रीन टी ले सको, ग्रीन टी जो है वजन घटाने में बहुत ही बढ़िया हुआ है, आपका कितना जल्दी वजन घटेगा। सिर्फ तो मैंने आपसे यही बात शेयर करनी थी। तो ठीक है, आपने व्लॉग अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगा तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने भी लाइक कर दियो।